लाल शाहबाज कलंदर, जिनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था, सिंध में मदफून एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं। लाल शाहबाज कलंदर की विलादत 538 बमुताबिक 1143 अजरबैजान के इलाके मरविन में हुई। लाल शहबाज कलंदर का सिलसिला शजरा नज़्म 13 वास्तों से इमाम जाफर सादिक तक पहुंचता है। आपका शजरा नज़्म कुछ यूं है। सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद मेहदी बिन सैयद मुंतखिब बिन सैयद खालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद जाफर सादिक। लाल शहबाज का वतन मरविन था। मरविन का शहर तबरेज से कुछ फासले पर है। इस शहर को मेवन भी कहा जाता है। ये शहर बहुत कदीम है। ये शहर कुरमर के कपड़ों की वजह से मशहूर था, जिनसे लाली रंग तैयार होता है। तारीख में आता है कि इस शहर के नवाह में बहुत सी बस्तियां आबाद थीं। इन हकायक से पता चलता है कि आपका असल वतन अजरबैजान है और शहर का सही नाम मरिंद है। इनका मज़ार सिंध के शहर सेवन शरीफ में है। ये सिंधी तामीर का आला नमूना है और 1356 में तामीर हुआ। इसका अंदरूनी हिस्सा 100 मुरबा गज़ के करीब है। उनका सालाना उर्स इस्लामी तकवीम के मुताबिक 18 शबानुल मौज़म को होता है। फिरोज शाह की हुकूमत के ज़माने में मलिक रुकनुद्दीन उर्फ अख्तारुद्दीन वली सेवस्तान ने आपका रोज़ा तामीर करवाया। इसके बाद 993 में तरखानी ख़ानदान के आखिरी बादशाह मिर्ज़ा जानी बेग तरखान ने आपके रोज़े की तौसी और तरमीम की। आप एक मशहूर सूफी बुजुर्ग, शायर, अहलियात दान, फलसफी और कलंदर थे। आपका ख़ानदान यगाना रोज़गार था। आपके वालिद माजिद सैयद कबीर अपने वक्त के मशहूर आलिम थे। उनका तरीका एतबा सुन्नत नबवी था। शरी अहकाम से सरहु इनहराफ ना करते थे। आपकी वालिदा माजिदा बड़ी इबादत गुजार थीं। शेख मरवंदी अपने ख़ानदान के एतबार से ऊंची नस्बत रखते थे, इसलिए सालिहातो सखा के बहुत से खसाइस इनके ख़ानदान में मुंतकिल हो गए। आपकी वालिदा के मुतालिक मालूम है कि पर्दे शब की तारीकी में बैठकर रोया करती थीं। फरमाती, अल्लाह के खौफ से रोने वाला दोजख में ना जाएगा। उनकी ज़ात खशियत इलाही का सर चश्मा थी। रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारती। इस माँ की गोद का लाल जज्बो जलाल का जौहर बनकर जब सहवन पहुँचा तो उसकी ताबनाकी कई निगाहों को खैरा कर रही थी। सुल्तान शाह हाकिम सरंद की ये साहबजादी अपने शोहर सैयद कबीर के जज्बो तसरुफ की तासीर से अपने वक्त की जाहिदा व आबदा खातून कहलाईं। आपके चेहरे पर लाल रंग के कीमती पत्थर लाल की मानन सुर्ख किने फूटती थीं और सुर्ख कपड़े जेब तन करने की वजह से आपका लकब लाल हुआ। चूंकि उनका खरका भी ताबदार याकूती रंग का हुआ करता था, इसलिए उन्हें लाल और उनकी खुदाप्रस्ती और शराफत की बिना पर शहबाज और कलंदराना मिजाज व अंदाज के बिना पर कलंदर कहा जाने लगा। उस्मान बिन कबीरुल मारूफ शहबाज कलंदर की तालीम इब्तदाई तौर पर हस्ब मामूल इस्लामी बुनियादी उसूल के तहत थी। शहबाज कलंदर ने महज 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद आपने बहुत ही कलील अरसे में मरूजा अरबी और फारसी अलूम में भी मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली। बचपन में इब्तदाई मंजिले बाप के साये में गुजारी। आपके वालिद मशायख तबरेज में बड़ा दर्जा रखते थे। उनकी निगरानी में आपकी नशनुमा हुई और तालीम और तरबियत का अहतमाम हुआ। अहले इल्म बाप की वजह से हाफिज उस्मान को अहलुल्ला की सोहबतें बचपन से मयसर आई थी। इसी तरह फैज़ बरकात और आलम दीन के गहरे नक्श उनके लोहे दिल पर सबत हुए थे। वक्त आया कि ईमान और यकीन की ऐसी दौलत हाथ आई कि फिक्र तहीर का उन पर दरवाज़ा खुल गया। बचपन में ऐसी मजालिस में शरीक होते थे जिनमें मौत और क़यामत के मंजर को याद किया जाता था और कुरान की उन आयात की तिलावत की जाती जिनका ताल्लुक हशर जजा और सजा से होता। नेकी और रास्तबाजी बचपन में उनका शुआर बन गई थी। इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और तहकीक व तजस्सुस की तरफ तबीयत बहुत ज़्यादा रागिब थी। आपके अजदाद ने इराक से ईरान हिजरत की, जहाँ की तालीम मशहूर थी, और फिर बाद में मरविंद को हिजरत की। आपको इस दौर में गजनवी और गोरी सल्तनतों का मुशाहिदा करने का मौका मिला और आपने इस्लामी दुनिया के लातादाद सफ़र किए, जिसकी वजह से आपने फारसी, अरबी, तुर्की, सिंधी और संस्कृत में महारत हासिल कर ली। आप रूहानियत के आला दर्जे पर फाइज थे और मुसलमानों के अलावा अहले हनूद में भी बड़ी इज्जत थी।
आप सुर्ख लिबास पहनते थे जिसकी वजह से उन्हें लाल कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें झूले लाल भी कहा जाता था। आपका जमाना औलियाए कराम का जमाना मशहूर है। मशहूर बुजुर्ग शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शम्स तबरेजी, मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी, जलालुद्दीन रोमी और सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, मखदूम सदरुद्दीन कताल, सदरुद्दीन आरिफ, फरजंद बहाउद्दीन जकरिया, शेख बुआली कलंदर पानीपति उनके करीबन हम असर थे। हिंदू और मुसलमानों में मजहबी रवादारी की तबलीग के बिना पर लाल शहबाज कलंदर तमाम मजाहिब के पैरोकारों में यकसा मोहतरम तसव्वुर किए जाते थे। बरे सगीर के तमाम ममालिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इंतहाई मशहूर सूफी गीत दमादम मस्त कलंदर में लाल शहबाज कलंदर ही की तालीमात को पेश किया गया है। असलन ये गीत 13वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था और उसके बाद से उसे बहुत से मौसीकारों और गुलोकारों ने गाया और हर दौर में ये इंतहाई मकबूल रहा। हज बैतुल्ला के लिए आपकी बेताबियों का मंजर बहुत अजीब था। सारे कर्जे अदा कर दिए जाते, अमानतें वापस की जाती और इतना माल साथ लिया जाता जिससे जदेरा और सवारी खरीदी जा सके। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के मुशाहिदे के लिए दिल मुस्तरब था और अरफा का दिन याद करते तो आंखें आंसुओं से तर हो जाती थीं। आपकी रवानगी का मंजर ऐसा था जैसे सफरे आखरत पर जा रहे हों। आप अपने आप को मुखातिब करके फरमाते, ए उस्मान, आज इस सवारी पर सफर हज कर रहा है, कल सफर जनाजा की सवारी पर आखरत का क्या तोशा और जदे राह रखता है। एहराम के दो कपड़े पहने तो कफन को याद कर रहे थे। मखदूम शहबाज कलंदर ने सिविस्तान में रहकर बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया, उनके अखलाक को सवारा, इंसानों के दिलों में नेकी और सच्चाई की लगन पैदा की और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना सिखाया। आप तकरीबन 6 साल तक सिविस्तान में रहकर इस्लाम का नूर सिंध में फैलाते रहे। हजारों लोगों ने आपके हाथ से हिदायत पाई और बहुत से भटके हुए लोगों को रिश्ता अल्लाह से जोड़ा। आपका विसाल 21 शबानुल मुअज्जम 673 में हुआ, लेकिन इनके विसाल को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ तारीख और विसाल दर्ज हैं, किसी में 590, किसी में 669, किसी में 670 लिखा है, मगर फाजिल मुअल्लफ ने अपनी तस्नीफ में शहबाज कलंदर के सफ़ा 43 पर तारीख विसाल के हवाले से ये साबित किया है कि उस्मान मरवंदी का विसाल 673 है।